हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कैरियर यूनिवर में। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कंबाइंड ओर्स के लिस्ट। तो आप देखोगे कि कंबाइंड ओर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे सल्फाइड ओर, हैलाइड ओर, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, नाइट्रेट ओर, सिलिकेट ओर, फॉस्फेट ओर। तो इन सभी के बारे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। तो देखोगे, सबसे पहले हम आपको जो कंबाइंड ओर का लिस्ट है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सल्फाइड ओर के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हो सल्फाइड ओर को। तो देखोगे सल्फाइड जो ओर है इसको आप देखोगे, तो देखो यहाँ सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर को आप देखोगे इसमें कि फॉर्मूला ऑफ द ओर्स यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद आप देख रहे हो नेम ऑफ ओर, उसके बाद देख रहे हो मेटल प्रेजेंट। तो स्टूडेंट से आप देखो यहाँ सल्फाइड ओर में, यहाँ देखो CuFeS2 है। CuFeS2 जो है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो Cs.Fe(S)। अब देखो CuFeS2 है इसको किस नाम से जानते हैं, दैट मीन्स CuFeS2 जो ओर है उसको हम लोग नाम देते हैं कॉपर पायराइड्स। इसको नाम देते हैं कॉपर पायराइड्स, और जो कॉपर पायराइड्स है इसको हम लोग कहते हैं कैल्को पायराइड के नाम से भी जानते हैं और कॉपर पायराइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ देगा कॉपर पायराइड्स या कैल्को पायराइड जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बताओगे CuFeS2। पूछ देगा आपको कि CuFeS2 जो है वो कैसा हो रहा है, तो आप बताओगे कि सल्फाइड हो रहा है। तो यहाँ देखो CuFeS2 है, इसको कॉपर पायराइड कहते हैं, इसी को कैल्को पायराइड कहा जाता है, और ये जो है कॉपर का सल्फाइड ओर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉपर का सल्फाइड ओर यहाँ देख रहे हो कॉपर पायराइड्स है, जिसको कॉपर पायराइड्स के नाम से भी जानते हैं या कैल्को पायराइड कहते हैं। अब देखें Cu2S, तो ये जो देख रहे हो Cu2S जो है इसको कॉपर ग्लांस कहते हैं, कॉपर ग्लांस भी कहते हैं, और इसको हम लोग कैल्कोसाइट भी कहते हैं। अब देखो ये जो कॉपर ग्लांस है Cu2S, ये जो है आपको इससे कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दैट मीन्स आपसे कोई पूछे कि कॉपर ग्लांस जो है ये आपका किसका ओर है, तो आप बताओगे कॉपर का। पूछेगा कि कॉपर ग्लांस जो होता है वो कैसा ओर है कॉपर का, तो सल्फाइड ओर है। कॉपर ग्लांस को हम लोग कैल्कोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस तरह से आप देखोगे आगे, ये देखो FeS2, ये भी सल्फाइड ओर है, लेकिन ये सल्फाइड ओर है किसका, आयरन का। अब आप समझो कि ये आयरन का जो सल्फाइड ओर है FeS2, इसको फुल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं। FeS2 जो है इसको फुल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं, और ये फुल्स जो गोल्ड है ये आयरन का सल्फाइड ओर है, इसको आयरन पायराइड के नाम से भी जानेंगे हम लोग। अब देखो जिंक ब्लेंड, यहाँ देखो जिंक ब्लेंड है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे ZnS। पूछेगा जिंक ब्लेंड जो है किसका ओर है, तो जिंक का ओर है। जिंक का कैसा ओर है, तो सल्फाइड ओर है। अब आपको जिंक ब्लेंड ना देकर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्फेलेराइट किसका ओर है, तो आप बोलोगे जिंक का ओर है। कैसा ओर है, तो सल्फाइड ओर है। ये इसको जो जिंक सल्फाइड है इसको ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, अगला आप देखो Cu2S.Ag2S, इसको कॉपर सिल्वर ग्लांस कहते हैं, कॉपर सिल्वर ग्लांस। ये कॉपर सिल्वर ग्लांस जो है ये कॉपर का सल्फाइड ओर है। तो आप देख रहे हो जो भी यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस किया, ये आपने देखा कि सल्फाइड ओर है। तो आपने यहाँ देखा कि कॉपर पायराइड जो है वो कॉपर का सल्फाइड ओर है, कॉपर ग्लांस जो है वो भी कॉपर का सल्फाइड ओर है। ये आपने देखा FeS2 जिसको फुल्स गोल्ड कर रहे हैं, ये आयरन का सल्फाइड ओर है जिसको आयरन पायराइट कहते हैं ओर के रूप में। अब देखो जिंक ब्लेंड जो है जिसको एस्फेलेराइट कहते हो, ये जिंक का
सल्फाइड ओर है, इसको जिंक सल्फाइड को ब्लैक जेड के नाम से भी जानते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो Cu2S डॉट Ag2S, इसको कॉपर सिल्वर ग्लांस कहते हैं, और ये जो कॉपर सिल्वर ग्लांस है ये भी कॉपर का ओर है। और कैसा ओर है? तो सिल्वर ओर है, सल्फाइड ओर है। अब देखोगे नेक्स्ट पॉइंट Ag2S, ये Ag2S इसको सिल्वर ग्लांस कहा जाता है, और ये जो सिल्वर ग्लांस है इसको आप दूसरे नाम से जानोगे, तो इसको हम लोग अर्जेंटाइट कहते हैं। सिल्वर ग्लांस बोलो या अर्जेंटाइट बोलो, तो अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लांस सिल्वर का ओर है। कैसा ओर है? तो सल्फाइड ओर है। तो याद रखना है, सिल्वर का ओर सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइट होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? Ag2S होगा। अब देखो Ag2S डॉट Sb2S, ये जो है ये भी सल्फाइड ओर है, इसको कहा जाता है रूबी सिल्वर। इसको क्या बोलते हैं? रूबी सिल्वर। और रूबी सिल्वर जो है सिल्वर का सल्फाइड ओर है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर HgS, ये HgS जो है वो मरकरी का सल्फाइड ओर है। देख रहे हैं HgS मरकरी का सल्फाइड ओर है, और इसको सिनेवार कहा जाता है। तो सिनेवार कहा जाता है HgS को, और सिनेवार सल्फाइड ओर है किसका? मरकरी का। अब आप देखोगे यहाँ PbS आप देख रहे हो, PbS को आप देखो, तो PbS जो आप देख रहे हो ये PbS, इसको ग्लेना कहा जाता है, और ये जो ग्लेना है ये लेड का कैसा ओर है? सल्फाइड ओर है। तो आपने यहाँ देखा सल्फाइड ओर के बारे में, और मैंने यहाँ सल्फाइड ओर डिस्कस किया किसका? लेड का, मरकरी का, सिल्वर का, कॉपर का, जिंक का, आयरन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा, नेक्स्ट पॉइंट आप देखो दूसरा जो है सल्फाइड ओर के बारे में, अभी आपने देखा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं हैलाइड ओर के बारे में। तो हैलाइड ओर को देखो, तो हैलाइड ओर में सबसे पहले आप देखो यहाँ है NaCl, NaCl को कहा जाता है रॉक साल्ट, ओर के रूप में इसको नाम देते हैं रॉक साल्ट, और ये सोडियम का ओर है। दैट मीन्स सोडियम का हैलाइड ओर क्लोराइड के फॉर्म में कौन होगा? रॉक साल्ट होगा। उसी तरह से आप देखो Na3AlF6, इसको क्रायोलाइट कहा जाता है, और ये क्रायोलाइट एल्युमिनियम का ओर है। इसका ओर है एल्युमिनियम का ओर है। नेक्स्ट आप देखो KCl, ये KCl क्लोराइड ओर है, इसको सैल्वाइन के नाम से जानते हैं, और ये पोटासियम का क्लोराइड ओर है, हैलाइड ओर है। अब देखो आप नेक्स्ट पॉइंट KCl MgCl2 6H2O, एक प्रकार का डबल साल्ट भी है, ये आपका एक ओर है, वो ओर है किसका? पोटासियम का। कैसा ओर है? तो हैलाइड ओर है, और इसको कहा जाता है कार्नालाइट। कार्नालाइट को आप KarnaLite या CarnaLite इस रूप में भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कुछ हैलाइड्स जो ओर हैं मेटल के, उसके बारे में आपने देखा। अब आप देखो आगे कुछ भी और जो हैलाइड ओर है उसको देखो आप, CaF2 जो है ये कैल्शियम का ओर है, और इसको बोला जाता है फ्लोरस्पार। याद रखना है फ्लोरस्पार कैल्शियम का ओर है, हैलाइड ओर है CaF2। इसी तरह से आप देखो सिल्वर का ओर हॉर्न सिल्वर है, और इसका फॉर्मूला होगा AgCl। उसी तरह से आप देखो ये जो आप देख रहे हो कोलंबम पीबी लेड, इसका जो फॉर्मूला आप देख रहे हो क्या है? PbCl2, और PbCl2 को यहाँ कहा जाता है माल्टलोकाइट। तो ये आप याद रखोगे। इस तरह से आप देखे कुछ जो ओर्स थे इसको आपने यहाँ देखा। इसके बाद अब आप देखोगे आगे जो है ऑक्साइड ओर, कौन सा ओर है? ऑक्साइड ओर। इसके पहले आपने देखा सल्फाइड ओर के बारे में, उसके बाद आपने देखा हैलाइड ओर के बारे में, उसके बाद आप देखो इसके बारे में ऑक्साइड ओर के बारे में, देखेंगे आप ऑक्साइड ओर के बारे में। तो देखोगे तो ऑक्साइड ओर के बारे में आप देखोगे तो देखो ये ऑक्साइड ओर है, ठीक। अब ये जो ऑक्साइड ओर है
इसमें आप देखो, सबसे पहले आप देखें वॉक्साइट, ये वॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो रहा है और इसका फॉर्मूला होता है Al2O32H2O, ये आप याद रखोगे वॉक्साइट को। उसी तरह से आप देखो यहाँ देखो डायस्पोर, तो डायस्पोर भी एल्यूमिनियम का ओर है और इसका फॉर्मूला होगा Al2O3.H2O। अब देखो वॉक्साइट और डायस्पोर में क्या अंतर है, वॉक्साइट और डायस्पोर में आप देख रहे हो कि Al2O3 दोनों में है, लेकिन वॉक्साइट में वाटर के 2 मोल होंगे और ये डायस्पोर जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और है इसमें वाटर के 1 मोल होगा, यही दोनों में अंतर है। नेक्स्ट आप याद रखोगे अगला जो एल्यूमिनियम का ओर है वो कोरंडम है, तो कोरंडम एल्यूमिनियम का ओर है, कैसा ओर है, ऑक्साइड ओर, और इसका फॉर्मूला होगा Al2O3। इस तरह से अब आप आगे देखोगे, यहाँ देखो ये क्रोमाइट है, ये देखो क्रोमाइट, क्रोमाइट किसका ओर है, तो ये क्रोमियम का ओर है और इसका फॉर्मूला होता है Cr2O3.FeO, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो मैंगनीज का ओर, यहाँ देख रहे हैं मैंगनीज, तो मैंगनीज का ओर होता है पायरुलोसाइट और ये जो पायरुलोसाइट है इसका फॉर्मूला होता है MnO2। दैट मीन्स आपने देखा MnO2 को ओर्स के रूप में नाम देते हैं पायरुलोसाइट, और पायरुलोसाइट इज द ओर ऑफ मैंगनीज। इसी तरह से आप देखो यहाँ देख रहे हो मैंगनीज का और एक है वो है मैंगनाइट, मैंगनाइट, तो मैंगनाइट जो और है मैंगनीज का इसका फॉर्मूला होता है Mn2O3.H2O। इस तरह से अब हम लोग देखते हैं कुछ आयरन का ऑक्साइड और, जैसे देखो आयरन का जो ऑक्साइड और है वो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इस तरह से। तो अब देखोगे तो आप देखोगे यहां समझोगे कि Fe2O3 ये हेमाटाइट कहलाता है, Fe2O3 को हेमेटाइट कहते हैं और ये आयरन का ओर है। इसी तरह से अब आप देखो ये लिमोनाइट, तो लिमोनाइट आयरन का ओर है और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.3H2O। देखो हेमाटाइट में एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो लिमोनाइट इसमें वाटर के 3 मॉलिक्यूल है फेरिक ऑक्साइड के साथ। अब देखो अगला जो आयरन का ओर है वो है मैग्नेटाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4, Fe3O4 ये हो गया, इसको क्या नाम दोगे आप मैग्नेटाइट। Fe2O3 को क्या नाम दोगे हेमेटाइट, Fe2O3 3H2O को क्या नाम दोगे लिमोनाइट। ये सभी जो आप देख रहे हो हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये सब ऑक्साइड ओर है किसके, आयरन, ये आयरन के। इसी तरह से आप देखो यहाँ क्यूपराइट, क्यूपराइट को रूबी कॉपर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा क्यूपराइट को रूबी कॉपर के नाम से जानते हैं, और ये जो रूबी कॉपर या क्यूपराइट है ये आपको कॉपर का ओर है, और कॉपर का कैसा ओर है, तो ऑक्साइड ओर है और इसका फॉर्मूला होगा Ce2O। इसी तरह से आगे आप देखो यहाँ देख रहे हैं आप जिंक का, जिंक का देखो ऑक्साइड और जिंक का जो ऑक्साइड और है वो ZnO है, ये ZnO को ओर्स के रूप में हम लोग जिंकाइट पढ़ते हैं या जिंक रेड के नाम से जानते हैं, और कभी कभी आपको जिंक ऑक्साइड को ये फिलोसफर्स उल के रूप में भी पूछा जाता है कि फिलोसफर्स उल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप याद रखोगे ZnO, ZnO को फिलोसफर उल के नाम से भी जाना जाता है, ZnO को फिलोसफर उल के नाम से जानते हैं, ये कई बार आपको पूछ चुका है। ये ZnO का, ZnO जो है जिंक का कैसा ओर है, ऑक्साइड ओर है, ओर्स के रूप में इसको हम लोग जिंकाइट पढ़ते हैं या जिंक रेड पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो SnO2, SnO2 को टीन स्टोन पढ़ा जाता है, SnO2 को टीन स्टोन पढ़ते हैं और ओर्स के रूप में इसको कैसीटेराइट पढ़ते हैं, और ये टीन का ऑक्साइड ओर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड ओर देखा, आपने क्रोमियम का ऑक्साइड ओर देखा, मैंगनीज का देखा, आयरन का देखा, कॉपर का देखा और जिंक का देखा, टीन का देखा, ये सभी ऑक्साइड ओर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं,
नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आगे सिलिकेट ओर है, कौन सा ओर? सिलिकेट ओर। तो सिलिकेट ओर को आप देखोगे, आप समझोगे इसमें सिलिकेट ओर को, तो सिलिकेट ओर को देखो तो ये देखो K2O, K2O Al2O3 6SiO2, ये सिलिकेट ओर है, इसको फील्ड स्पार के नाम से जानते हैं। और ये एल्यूमिनियम का सिलिकेट ओर है, एल्यूमिनियम का सिलिकेट ओर कौन होगा? K2O Al2O3 6SiO2, इसको फील्ड स्पार के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो K2O Al2O3 6SiO2 2H2O, ये माइका जिसको अभ्रक करते हो, माइका जिसको अभ्रक करते हो, तो ये माइका जो है ये एल्युमिनियम का सिलिकेट ओर है। और आप जो देख रहे हो ऊपर ने आपने देखा फेल्डस्पार और नीचे देख रहे हो माइका, दोनों में मात्र अंतर है 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का। फेल्डस्पार में जो फेल्डस्पार का जो फॉर्मूला है और माइका का जो फॉर्मूला है उसमें अंतर आपको दिख रहा है 2 मोल ऑफ वाटर का, यहाँ आप देख रहे हो 2 मोल ऑफ वाटर है, तो फेल्डस्पार में 2 मोल ऑफ वाटर नहीं है और यहाँ माइका में देखो 2 मोल ऑफ वाटर ऐड है, और बाकी जो सिस्टम है वो फॉर्मूला का जो कंपोजिशन है वो सेम है। अब देखो नेक्स्ट है, ये देखो मैंगनीज है, तो मैंगनीज का सिलिकेट ओर यहाँ देख रहे हो एसवेस्टस है, और इसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं CaSiO3.3MgSiO3। तो इस तरह से आपने देखा सिलिकेट ओर के बारे में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको समझते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो ओर है उसको देखते हैं। तो अगला ओर है वह है कार्बोनेट ओर। तो देख रहे हैं हम कार्बोनेट ओर की चर्चा अब करने जा रहे हैं। तो ये जो कार्बोनेट ओर है उसमें सबसे पहले आप देखो सोडा आस, या देखेंगे सोडा आस, सोडा आस जो है सोडियम का कार्बोनेट ओर है, और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3 को सोडा आस कहते हैं और ये सोडियम का कार्बोनेट ओर है। उसी तरह से आप देखोगे ये आप देखो Na2CO3.2NHCO3.3H2O, इसको ट्रोना कहते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रोना। और ट्रोना इसका ओर है तो सोडियम का ओर है, कैसा ओर है? तो कार्बोनेट ओर है। नेक्स्ट आप देखो अगला जो आप देख रहे हो ये है वो मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट जो है इसका फॉर्मूला होगा MgCO3, MgCO3 मैग्नेसाइट का फॉर्मूला है, और ये मैग्नेसाइट जो है मैग्नीशियम का कार्बोनेट ओर है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ देखो डोलामाइट, तो डोलामाइट मैग्नीशियम का कार्बोनेट ओर है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा? MgCO3.CaCO3। अब आप देखेंगे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन देखो लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम का कार्बोनेट ओर है, इसका फॉर्मूला होगा CaCO3। अब देखो सीडेराइट, सीडेराइट ये आयरन का कार्बोनेट ओर है, और आयरन के कार्बोनेट ओर जो सीडेराइट है इसका फॉर्मूला होगा FeCO3, FeCO3 याद रखेंगे FeCO3, इसको सीडेराइट कहते हैं, आयरन का ये कार्बोनेट ओर है, इसको FeCO3 को एस्पैथिक आयरन ओर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो नाम है आप याद रखेंगे एस्पैथिक आयरन, FeCO3 को कहा जाता है, इसको ओर्स के रूप में सीडेराइट कहते हैं। सीडेराइट किसका ओर है? आयरन का ओर है, कैसा ओर है? तो कार्बोनेट ओर है। नेक्स्ट आप देखोगे कैलामाइन, 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 कैलामाइन क्या है? जिंक का ओर है, कैसा ओर है? कार्बोनेट ओर है, जिंक का कार्बोनेट ओर का नाम हम लोग देंगे कैलामाइन, फॉर्मूला क्या होगा? ZnCO3। इसी तरह से आप देखो आगे मैलाकाइट, ये मैलाकाइट जो है ये कॉपर का कार्बोनेट ओर है, और इसका फॉर्मूला होता है CuOH2CuCO3, इसको आप बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहोगे मैलाकाइट। अब देखो एजुराइट, एजुराइट भी कॉपर का कार्बोनेट ओर है, और इस ये भी
आपको बेसिक कॉपर कार्बोनेट ही है, लेकिन मैलाकाइट और एजुराइट में अंतर क्या है कि मैलाकाइट में COOH का होल ट्वाइस डॉट COCO3 होगा, यहाँ COCO3 का एक मोल है, लेकिन एजुराइट में COOH का होल ट्वाइस डॉट 2 COCO3 होगा। दैट मीन्स मैलाकाइट में आपको कॉपर कार्बोनेट के मात्र एक मोल होंगे और एजुराइट में कॉपर कार्बोनेट का 2 मोल होगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, दोनों में होगा। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखो अस्ट्रॉन टीएनाइट, ये जो है अस्ट्रॉनियम का कार्बोनेट है और इसका फॉर्मूला होता है SrCO3। इसी तरह से आप देखो सेरुसाइट, ये क्या है, सेरुसाइट क्या है, तो सेरुसाइट कार्बोनेट ओर है किसका, लेड का। तो लेड का अगर आपसे पूछे कार्बोनेट ओर, तो आप बताओगे सेरुसाइट लेड का कैसा ओर है, कार्बोनेट ओर है। या पूछ लेगा PbCO3 को क्या बोलते हैं, सेरुसाइट कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रखोगे। इस तरह से आप देखो आगे, यहां देखोगे कैल्साइट जिसको कि हम लोग कैल्साइट डोलामाइट, ये कैल्शियम का कार्बोनेट ओर है। अब देखो कैल्शियम का कार्बोनेट ओर का यहां फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3 MgCO3। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये सभी कार्बोनेट ओर का लिस्ट था। अब आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है नाइट्रेट ओर। स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा सल्फाइड्स ओर के बारे में, हैलाइड ओर के बारे में, उसके बाद आपने देखा ऑक्साइड ओर के बारे में, सिलिकेट ओर के बारे में, उसके बाद आपने देखा कार्बोनेट ओर। स्टूडेंट्स, आगे जो कुछ आपको यहाँ लिस्ट दिया गया है वो नाइट्रेट ओर का है और फॉस्फेट ओर का है। तो देखते हैं हम लोग नाइट्रेट ओर के बारे में और फॉस्फेट ओर के बारे में। तो देखिएगा यहाँ आप देख रहे हो सोडियम का ओर है, वो है चिली साल्ट पीटर और इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। दैट मीन्स NaNO3 को चिली साल्ट पीटर कहते हैं और ये चिली साल्ट पीटर सोडियम का नाइट्रेट ओर है। उसी तरह से आप देख रहे हो पोटासियम का जो नाइट्रेट ओर है वो KNO3 है, इसको नाइट्रेट भी कहते हैं, इसका ओर्स के रूप में इंडियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं अगला जो है फॉस्फेट ओर है। कौन सा ओर है, फॉस्फेट ओर। तो फॉस्फेट ओर के बारे में देखो, अगला देखो फॉस्फेट ओर, ये फॉस्फेट ओर है, इसके पहले आपने देखा नाइट्रेट ओर। तो देखो फॉस्फेट ओर, तो फॉस्फेट ओर में आप देखो Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसको रॉक फॉस्फेट के नाम से जानते हैं और इसको फॉस्फोराइट भी कहते हैं, रॉक फॉस्फेट या फॉस्फोराइट कहते हैं। ये कैल्शियम का या आप कह सकते हो फॉस्फोरस का ओर है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो 3Ca3PO4 होल ट्वाइस CaF2, इसको फ्लोरपाटाइट कहते हैं, ये कैल्शियम का भी ओर है और फॉस्फोरस का भी। उसी तरह से आप देखो यहाँ 3Ca3PO4 होल ट्वाइस CaCl2, इसको क्लोरपाटाइट कहोगे या क्लोरएपेटाइट कहोगे। अब देखो यहाँ पर ये भी कैल्शियम और फॉस्फोरस का ओर है। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा कि फ्लोरपाटाइट या क्लोरपाटाइट जो है इसमें फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरपा, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरपाटाइट, इस तरह से आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो आप देख लो यहाँ पर Fe3PO4 होल ट्वाइस डॉट HH2O, इसको विवियनाइट के नाम से जानते हैं और ये आयरन का फॉस्फेट ओर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स के बारे में आपने देखा और आपने देखा कि ओर्स कितने तरह के होते हैं। तो आपको मैंने बताया था इनिशियल में कि आपको ओर्स दो ही तरह के मुख्य रूप से होते हैं, नेटिव ओर्स होते हैं और कंबाइंड ओर होते हैं। नेटिव ओर के बारे में मैंने बताया
कि नेटिव ओर्स जो होंगे, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और वो आपको नेटिव ओर्स कहलाते हैं। और जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे और कंबाइंड स्टेट में वो पाए जाते हैं सल्फाइड ओर्स के रूप में, हैलाइड्स ओर के रूप में, ऑक्साइड्स ओर के रूप में, सिलिकेट्स ओर के रूप में। इस तरह से आपने देखा नाइट्रेट के रूप में पाया जाएगा, कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा, फॉस्फेट के रूप में पाया जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के ओर्स आपको पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।